मैं डीके आपका स्वागत करता हूं डेली मार्केट अपडेट में। 7 अक्टूबर 2020 को मार्केट की क्लोजिंग के बाद हम बैंक निफ्टी की डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी को अगर देखें तो बैंक निफ्टी मार्जिनली ग्रीन में क्लोज हुआ है। दोस्तों, 0.38% की बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई। 12 स्टॉक इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं निफ्टी बैंक के, उसमें से 5 स्टॉक जो थे वो ग्रीन में थे, लेकिन 7 स्टॉक्स ऐसे थे जो रेड में क्लोज हुए। तो यहाँ भी दोस्तों कहीं ना कहीं एक डोमिनेंस बेयर्स का ही नज़र आ रहा है, और जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी। दोस्तों, तो चलिए अब स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करके संभावनाओं को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में हम स्पॉट मार्केट का चार्ट देख रहे हैं। दोस्तों, आज की क्लोजिंग जो हुई है वो 22,964.8 पे क्लोजिंग हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज इस कैंडल का लोअर शेडो है काफ़ी लार्ज है, और आपको याद होगा दोस्तों जब हमने कल बैंक निफ्टी की एनालिसिस की थी तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के बारे में चर्चा की थी। प्राइस ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, और इसका जो ब्रेकआउट हुआ था 6 अक्टूबर 2020 को, तो ये पहले जो रेजिस्टेंस था अब दोस्तों वो सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और ऐसे ही एग्जैक्टली आज के प्राइस एक्शन से बैंक निफ्टी में समझ में आया, लार्ज लोअर शेडो इस बात का प्रतीक है कि प्राइस बेयर्स ने पुश करने की कोशिश की नीचे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और अल्टीमेटली प्राइस ऊपर में जाके क्लोज हुई। दोस्तों, ये सिग्निफिकेंट नोट करना दोस्तों कि इसका इमीडिएट टर्म्स में रेजिस्टेंस की बात करें तो कल भी चर्चा की गई थी, 23,100 एक रेजिस्टेंस के रूप में नजर आ रहा है। प्राइस का रिजेक्शन था, रिजेक्शन था, तो ये जोन जो है वो रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा, क्योंकि प्राइस यहाँ भी थोड़ा ओवर एक्सटेंडेड है। दोस्तों, EMA 21 एंड EMA 55 यहाँ पर देखिए काफ़ी डिस्टेंट अपार्ट है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 22,500 का लेवल एक की सपोर्ट लेवल होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर प्राइस का आप देखिए कंसोलिडेशन बैंड है, और ये ट्रेंड लाइन जो है पहले रेजिस्टेंस जो थी अब सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो 22,500 एक सपोर्ट है, 23,100 एक रेजिस्टेंस है। लेकिन दोस्तों, बैंक निफ्टी के केस में सिर्फ एक गैप है यहाँ पर, आप यहाँ ध्यान से देखिए। तो इसका तात्पर्य क्या है कि बैंक निफ्टी में पोटेंशियल जो है, अगर हम इस गिरने वाली इंपल्सिव वेव का फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखें तो दोस्तों 61.8% जो है वो आता है 23,400 के आसपास दोस्तों। और यहाँ पर देखिए मल्टीपल सपोर्ट प्राइस ने लार्जर लोअर शेडो कैंडल में आप देख सकते हैं, जो मार्केट की साइकोलॉजी को दर्शाता है कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी की क्षमता है 23,400 से 23,500 के जोन में जाने की अपसाइड में, एंड डाउन साइड में दोस्तों 22,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट नजर आ रहा है। अब चलते हैं 21 मिनट्स के चार्ट में और लास्ट के एक घंटे के प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी भी लास्ट के तीन कैंडल को ध्यान से देखें तो सेलिंग प्रेशर इसने ऑब्जर्व किया है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये डॉटेड लाइन जो है जो क्लोजिंग इंडिकेट कर रही है। तो एक्चुअली लास्ट के तीन कैंडल इंडिकेट करते हैं कि मार्केट एक नैरो रेंज में ट्रेड होता रहा और ये टसल चलती रही बुल्स एंड बेयर्स के बीच में। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इसके पहले जो करेक्शन हुआ था इसने 21 मिनट्स में, ये प्राइस बार बार EMA 21 पे सपोर्ट ले रही है दोस्तों। तो दोस्तों, एक घंटे 21 मिनट्स के चार्ट में इतना बोला जा सकता है, ना बाइंग आई और ना सेलिंग प्रेशर आया, तो ये मामला न्यूट्रल टाइप का नज़र आता है। अब दोस्तों, एक चीज़ और समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के केस में
कि बैंक निफ्टी के केस में यहाँ पर सपोर्ट कंपैरेटिवली नज़दीक है और जो एक इंटरवीनिंग रेजिस्टेंस है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, 23,100 का जो रेजिस्टेंस है। लेकिन दोस्तों साथ में सपोर्ट कई यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन बैंड है, तो आप देखिए वर्चुअली 22,000 से लेकर 22,500 का बैंड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो कल के लिए कंक्लूड करते हैं, 22,500 एक सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा और 23,100 एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा, लेकिन इसमें क्षमता जो है वो 23,400 से 500 के जोन में जाने की बैंक निफ्टी की है। अब चलिए दोस्तों ऑप्शन चेन की एनालिसिस करके संभावनाओं को देखते हैं। दोस्तों तो दोस्तों बैंक निफ्टी में हम ऑप्शन चेन जो रेफर कर रहे हैं वो है 8 अक्टूबर 2020 को, यानी कल जो एक्सपायर करेगा वीकली कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों पुट साइड में अगर हम देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हमें क्या नज़र आता है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट क्लियरली हम यहाँ पर देख सकते हैं जो 22,500 का स्ट्राइक प्राइस है। तो प्राइस एक्शन एनालिसिस में भी हमने देखा कि 22,500 एक सपोर्ट के रूप में नज़र आ रहा है, क्योंकि एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है वो भी एक सपोर्ट के रूप में काम करेगी जो पहले रेजिस्टेंस थी। इसके अलावा दोस्तों हमने प्राइस एक्शन के आधार पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, वो भी 22,500 पे सपोर्ट इंडिकेट कर रही है। और इसके अलावा दोस्तों आप कॉल साइड में देखते हैं तो रेजिस्टेंस के बारे में देखें दोस्तों, तो यहाँ पर हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है ये 23,500 के स्ट्राइक प्राइस पे नज़र आ रहा है दोस्तों। तो 23,000 और दूसरा दोस्तों यहाँ पर भी हाईएस्ट है, ऑल दो प्राइस उसके 23,000 का स्ट्राइक प्राइस भी अगर देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है। तो एक इंटरवीनिंग रेजिस्टेंस 23,100 पे जो हमने चर्चा की, और इसका जो पोटेंशियल है वो 23,500 के जोन में जाने का है, क्योंकि जो गिरने वाली वेव थी उस वेव का अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टेस्ट करें तो दोस्तों 61.8% लेवल जो है, जब एक बार प्राइस 38.2% के ऊपर चली जाती है जो डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का, तो दोस्तों एक पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि प्राइस 61.8% लेवल पे जाए, जो 23,400 से 23,500 तक की जाने की 23,500 तक जाने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों ऑप्शन चेन में भी 23,500 पे एक अच्छा खासा बिल्टअप नज़र आ रहा है, और ऑल दो 23,000 पे भी अच्छा नज़र आ रहा है। तो ये भी हो सकता है दोस्तों कि कल मार्केट 23,100 के नीचे क्लोज हो, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है और उसके बाद में एक माइनर करेक्शन के बाद निफ्टी फिर अपनी दिशा पकड़े और 23,400-500 के जोन में जाने की क्षमता नज़र आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। शेयर करें दूसरे लोगों के साथ ताकि उन्हें भी इन एनालिसिस का लाभ पहुंच सके, और इस प्रोसेस में वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके और हमारे परिवार का एक हिस्सा बन सकें, जहां लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एंड दोस्तों इस चैनल की मेंबरशिप के लिए जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करके आप अलग अलग प्रकार की मेंबरशिप में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या पर्क्स हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और संभावनाओं को तलाश सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल प्लीज।